नमस्कार, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ पैडागोजी की क्लास, जिसमें आपकी मैथ पैडागोजी की क्विक रीजन हो जाएगी, क्योंकि जो आपके कंटेंट आपका हो चुका है और आपके ये PYQ हैं जो आपको ज़रूर ही लगाकर देखने हैं कि और यही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो आपकी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, इस पहेली का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है योगात्मक मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी है कक्षा की एक रास्ता को भंग करना, ऑप्शन सी है स्थानीय मान, ऑप्शन डी है स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दहाई और इकाई से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर किसकी संकल्पना को प्रबलित किया जा रहा है, स्थानीय मान की। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना है। जैसे आपका स्थानीय मान आप करते हो यहाँ 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000, ऐसे आप लिखते हो उसको, ये आपकी संकल्पनाएं होती हैं स्थानीय मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है गणित के प्रति रुचि विकसित करना, ऑप्शन बी है अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना, ऑप्शन सी है बीजीय कौशल में निपुणता, ऑप्शन डी है दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। तो यहाँ पर आपका सबसे कम पूछा है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना ये भी आपका पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्या आपका इसमें, बीजीय कौशल में निपुणता, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है दृश्यकरण एक आधारभूत स्तर है, ऑप्शन सेकंड है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, ऑप्शन थर्ड है संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। यहाँ पर आपका क्या क्या राइट हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा कि दृश्यकरण एक आधारभूत स्तर है, जो कि आपका विजुअलाइजेशन है, लेवल आपका 0 पर आता है। फिर आपका यहाँ कहा है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, पहले आपका विश्लेषण आएगा फिर आपका निगमन स्तर आएगा, तो ये आपका नहीं होगा। फिर है संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है, ये आपका सही हो जाएगा, जो आपका एनालिसिस है उसके बाद आपका रिलेशन आता है, और एनालिसिस आपका लेवल 1 हो जाएगा, फिर आपका ये संबंध स्तर लेवल 2 हो जाएगा। ऐसे आपके वैन हेले ने 4 आपके जो है लेवल बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में गणित अधिगम के बारे में सही है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों मतों के साथ आते हैं। सेकंड है विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार मत स्कूली गणित के लिए असंगत होते हैं। थर्ड है बच्चों में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है। फोर्थ है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने इसमें से इसको निकालना, ये आपका सक्षम है यहाँ पर, यहाँ से आपने निकालना है राइट। तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है इसमें कि बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचारों और मतों के साथ आते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है और पॉजिटिव भी है आपका ये। फिर आपका पूछा है इसमें कि विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों के विचार जो है वो गणित के लिए असंगत होते हैं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों में दिक् स्थान संबंधित समझ केवल ज्यामिति के अध्ययन के दौरान विकसित होती है, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं, ये भी आपका राइट हो गया। तो फर्स्ट और आपका फोर्थ ये दोनों ही आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीनू 16 बच्चों को गणित पढ़ाती है, उसका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाए तो वह प्रभावी होती है।
वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करती है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए है इसका, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकती है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। बी है, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्रस्तुत प्राप्त करने की विधि की चर्चा करें। सी है, वह छात्रों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें। फोर्थ है इसमें, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाएं और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों की जांच कराएं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, कि उसको क्या करना चाहिए, ऑप्शन डी कि वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर क्या करवाए, उसको समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों की जांच को करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड का एक विद्यार्थी 162 को 162 पढ़ता है किंतु 1062 लिखता है, यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए है, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। ऑप्शन बी है, शिक्षक को चाहिए कि वह स्थानीय मान के विषय में तभी बताएं जब बच्चा संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। ऑप्शन सी है, बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता। ऑप्शन डी है, बच्चे को स्थानीय मान की समझ अच्छी तरह से नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन फर्स्ट कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है कि बच्चा उसको कैसे एक्सप्रेस करे संख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में तृतीय का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है, बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन बी है, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना। ऑप्शन सी है, बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चों को गणित के विषय के प्रति जागरूक भी करना है और गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए उनको समझाना भी है और बच्चों में समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता का विकास भी करना है। ये तीनों ही आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए है, कमजोर छात्रों हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी है, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना। ऑप्शन सी है, विद्यालय में गणित की पुस्तकें खरीद कर लाना। ऑप्शन डी है, खेल विधि से शिक्षण करवाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, जो खेल विधि होती है बच्चों की, वहाँ उससे भी बच्चों को शिक्षण करवाया जाना चाहिए। शिक्षण करवाने से क्या होगा बच्चों का, इसमें बच्चे खेल खेल में ही क्या सीखेंगे, अपनी शिक्षा के लेवल को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को दो संख्या 15 और 21 के गानों का अंतर ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है इसका, घनों आ जाएगा यहाँ पर, 21 के घनों का अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो छात्र ने अंतर को इस प्रकार ज्ञात किया, छात्र ने 15 का क्यूब किया, फिर -21 क्यूब किया। यहाँ पर छात्र ने किया 3775 -9261, और यहाँ पर क्या लिखा छात्र ने, बराबर करके लिखा माइनस के 5886। छात्र द्वारा हल किए गए प्रश्न से यह निष्कर्ष निकलता है, वह केवल घन कर सकता है, यहाँ पर आएगा आपका, किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ है। उसने प्रश्न की भाषा को ठीक तरह से समझकर उत्तर नहीं दिया। और सी है, उसे बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोगों का ज्ञान है। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह केवल घन कर सकता है किंतु अन्य बातों से अनभिज्ञ है कि कैसे इसको माइनस प्लस आप यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित कक्षा के दौरान शिक्षक ने निम्नलिखित समस्याएं बोर्ड पर लिखी और बच्चों से कहा कि वह इनका उत्तर दे। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो है टीचर ने लिखी हुई है, 25 डिवाइड 5,
2.5 डिवाइड 0.5, 0.25 डिवाइड 0.05 एंड 0.025 डिवाइड 0.005। वह प्रश्नों के सेट के माध्यम से यह चाहता है कि बच्चे यह अवलोकन कर सकें कि ऑप्शन ए है, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की जो है इसमें घात से बढ़ाएं, यहाँ पर आपका घात से बढ़े या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है। फिर है यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात से घटा जाते हैं तो भागफल 10 की घात से घट जाता है। फिर है जब एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है दूसरे को 10 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल समान रहता है। फिर जब एक भाजक को 10 की घात से घातांक होती है घटत होती है तो दूसरे की 10 की घात बढ़ जाती है तो गुणनफल समान रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यदि भाजक और भाज्य दोनों 10 की घात, यहाँ आएगा आपका घात से बढ़े या घटाए जाते हैं तो भागफल समान रहता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित मस्तिष्क और तीक्ष्ण एवं प्रयोग बनाने में इस प्रकार कार्य करता है, जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इससे अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्क सम्मत एवं कर्मबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है, यह कथन किसका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कथन आपका हर्ष ने कहा, ये एक डेफिनेशन है इस तरह की, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है, ऑप्शन ए है, बच्चों में यह पता लगाना कि गणित में उनकी रुचि का समावेश है। फिर ऑप्शन बी है, मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। ऑप्शन सी है, बच्चों की कमजोरी का पता लगाना। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, कि मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा 5 का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय देखे गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे कि 12+3 किया उसने 16, तो इस प्रकार की त्रुटियों के उपचार हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए है, प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करवाना। ऑप्शन बी है, छात्रों को अधिक से अधिक गृह कार्य करने को दें। ऑप्शन सी है, त्रुटियों वाले प्रश्नों को शामपट पर हल करवाना। ऑप्शन डी है, छात्र को गणना संबंधी उपकरणों के प्रयोग की सलाह दें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि जो त्रुटियों वाले प्रश्न हैं उनको शामपट पर हल करवाना, ऐसे बच्चों को करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है, संख्याओं को सैकड़ा दहाइयों इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ऑप्शन बी है, 4 अंकों वाली संख्या के योग और विक्रम, यहाँ पर है उसका व्यकलन, यहाँ आ जाएगा व्यकलन, व्यकलन आ जाता है आपका यहाँ, व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। फिर सी है, इसमें बड़ी संख्याओं के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। ऑप्शन डी है, 6 अंकों तक गणना करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपके पास, ऑप्शन ए, कि संख्याओं को सैकड़ा दहाइयों और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत मूल्यांकन एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। नीचे दिए गए उद्देश्यों में इसका एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है, बच्चों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ऑप्शन सी है, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी है, निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, कि निदान व उपचार के साधन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा
कथन गणित पाठ्यक्रम के लिए सही नहीं है। यहाँ पर बताना है आपने कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए। सेकंड है, इसे सुसंगत होना चाहिए। थर्ड है, इसको लचीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पर, तो नेगेटिव हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इसका, सेकंड की, इसे सुसंगत होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसे सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मल्टीपल 18 मल्टीपल 4 इक्वल 18, यहाँ पर दिया है कि त्रह दी गई तीन संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। विद्यार्थी कैसे लिखता है इसको, 25 मल्टीपल 18 मल्टीपल 4, फिर 18 मल्टीपल 25 4, फिर 18 मल्टीपल 25 मल्टीपल 4 और 18 मल्टीपल 100, ऐसे वो इसको क्या करता है, इसको सॉल्व करता है क्वेश्चन को। आगे दिया है कि विद्यार्थी ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है उसने आपका कौन सी विधि को उपयोग किया है, यहाँ पर विद्यार्थी ने ऑप्शन दिए हैं क्रम विनिमय एवं वितरण नियम, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है क्रम विनिमय एवं सहचार्य वितरण, ऑप्शन सी है नियम एवं, यहाँ पर है आपका नियम और तत्समक, फिर है तत्समक एवं सहचारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, क्रम विनिमय एवं सहचारी वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए है, नई परिस्थिति में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थी को सक्षम बनाने में सहायता करना। ऑप्शन बी है, सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है, बच्चों के चिंतन को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर आपका नहीं पूछा है, नहीं का आंसर होगा आपका रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा कि रटकर याद करने को हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित किया जाना चाहिए ना कि प्रोत्साहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से अध्यापक ने हाफ तथा 2.5 को जोड़ने के लिए कहा परंतु उसने गलती से घटा दिया, तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दिए। इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है, उसे अभिनव का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है इसलिए जोड़ सिखाने चाहिए। ऑप्शन सी है, उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उसे अध्यापक की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, कि उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उसे अध्यापक की बात ध्यान से सुननी चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उनके कार्य निबंध में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी है, अच्छी इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। ऑप्शन सी है, अच्छी इकाई योजना में मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन डी है, इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आदर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कि एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने में एवं उनके कार्य निबंध में स्वतंत्र होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सभी विद्वानों का सेहत द्वारा वह कुंजी है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है ड्यूट का, ऑप्शन बी है बेकन का, ऑप्शन सी है स्किनर का, ऑप्शन डी है कॉमेट का। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि गणित सभी विज्ञानों का क्या है यहाँ पर, सिंह द्वार वह कुंजी है, यहाँ पर वह कुंजी है, यह कथन किसके, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, ऑप्शन बी है छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं में अंक वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी है छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए, ऑप्शन डी है छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है, ऑप्शन सी कि छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 1/3 भाग लड़के मराठी भाषा बोलते हैं और लड़कों का हाफ भाग हिंदी बोलता है। जो लड़के गुजराती बोलते हैं उनकी संख्या मराठी बोलने वाले लड़कों की संख्या से 2 गुना है। उन सभी में 2/3 भाग लड़कियां हैं तो कौन सा कथन सत्य है? सभी गुजराती बोलने वाली लड़कियां हैं, ऑप्शन बी है कुछ गुजराती बोलने वाले छात्र हिंदी जानते हैं, ऑप्शन सी है मराठी बोलने वाले छात्रों में से आधे छात्र हिंदी बोलते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ गुजराती बोलने वाले छात्र हिंदी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है। ऑप्शन ए है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी है कठिन से सरल की ओर, ऑप्शन सी है सरल से सरल की ओर, ऑप्शन डी है कठिन से कठिन की ओर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो आपकी गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है वो क्या आपका सरल से कठिन की ओर। गणित की संकेंद्रीय पद्धति की विशेषता क्या है यहाँ पर, सरल से सरल की ओर जाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में सामान्यता है निम्नलिखित कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है परिणाम, ऑप्शन डी है व्यापकता। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.S. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है? ऑप्शन ए है कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, ऑप्शन बी है प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है, ऑप्शन सी है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षक की आत्मनिष्ठ का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक दोष नहीं है, तो ये आपका दोष नहीं है कि उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा यहाँ पर दिया है अध्यापक ने गणित की कक्षा में एक प्रश्न हल करके उत्तर बताने को कहा, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/4 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि सभी छात्रों ने 4/2 उत्तर दिया तो इससे स्पष्ट होता है कि उन छात्रों को निम्न में आवश्यक ज्ञान नहीं है। ऑप्शन ए है छात्रों को गुणा करने का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन बी है उन्हें भिन्न का ज्ञान नहीं है, ऑप्शन सी है उन्होंने अध्यापक की बात ध्यान से नहीं सुनी, ऑप्शन डी है उन्हें गणना संबंधी ज्ञान नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी कि उन्हें भिन्न का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा 5th तक के स्कूल में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में आते हैं तो आपका प्रथम कार्य होगा, ऑप्शन ए है बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना, ऑप्शन बी है उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना, ऑप्शन सी है अपने विषय में अपनी योग्यता बताना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपने ज्ञान उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों का प्रश्न समझने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए, ऑप्शन ए है चौकोर गोल एवं आयताकार आकृतियाँ या वस्तुओं में उनका इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाएं, ऑप्शन बी है भिन्नों को जोड़ व घटाव समझाएं, ऑप्शन सी है अंश व हर को समान और असमान परिणाम को अलग अलग समझाएं, ऑप्शन डी है अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझाएं।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि चौकोर, गोल और आयताकार आकृतियाँ ये वस्तुओं में उनका इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझाना। ऑप्शन बी है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना। ऑप्शन सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध करना, रूप से समझाना, ये भी आपका सही है। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, ये भी सही है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना, ये भी आपका सही है। और यहाँ पर मैथ में आपका जैसे ई एल और पी एस ये आपका यूज़ किया जाता है। इसका मीनिंग क्या, आपके पास सबसे पहले आप बच्चे को एक्सपीरियंस देंगे मैथ में, उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज आती है, उसकी भाषा, फिर पिक्चर्स दिखाओगे आप बच्चे को, कुछ भी आप करवा रहे हो, फिर आप उसको सिंबल दिखाओगे, उससे रिलेटेड जो आपका सिंबल है कि आप बच्चे से पहले पूछोगे कि बच्चे को कहाँ तक कितना उसका एक्सपीरियंस है, फिर लैंग्वेज, फिर आपकी क्या आएगी इसमें पिक्चर दिखाओगे आप बच्चे को, उससे रिलेटेड जो आप करवा रहे हो, फिर बच्चे को आप सिंबल बताओगे। जैसे मान लो आपने हाफ़ का सिखाना है तो हाफ़ का सिंबल आप बच्चे को सबसे लास्ट में बताओगे, उससे पहले आप बच्चे के एक्सपीरियंस लोगे। तो जो आपकी आपका गणित होता है उसका जो नेचर होता है आपका, एक तो तर्कसंगत होता है उसका नेचर, और एक उसकी जो नेचर होती है वो आपकी पदानुक्रमित होती है। पदानुक्रमित, जिसको श्रेणीबद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि आपका जो गणित होता है वो आपका स्पाइरल होता है। इसको कम्युलेटिव भी कहा जाता है, इसको कम्युलेटिव भी कहा जाता है, इसको संचयी, इसको संचयी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे से जुड़कर चलती है, इसलिए आपका इसको स्पाइरल कहा जाता है गणित को। इसकी प्रकृति से, नेचर से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।